किताबें करती हैं बातें, बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। सफदर हाशमी की ये कविता अक्सर मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में पोस्टर पर लिखी देखी है, और मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि बच्चों में किताबें पढ़ने का प्यार जगाना तब तक दूर की बात है जब तक वो खुद मुझ में ना हो। दोस्तों, मेरा नाम है सरिता शर्मा, मैं द टीचर ऐप टीम का हिस्सा हूँ। शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेते समय मैंने कुछ शिक्षा से जुड़ी किताबें पढ़ी थी। वो ऐसी किताबें थी जो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे थे हम कि कोई एग्जाम पास करना था या फिर इन किताबों को रटना था। ये वो किताबें थीं जो एक शिक्षक के नाते मेरा नजरिया बना रही थी। ये सारी किताबें मैं इस पॉडकास्ट सीरीज पुस्तक पोथी में आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इस सीरीज का हर एक पॉडकास्ट एक ऐसी किताब से आपका परिचय कराएगा जो आपके लिए बच्चों, शिक्षा और समाज के बारे में सोचने का एक जरिया बन सकती हैं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही रचनात्मक किताब। अनुमान लगाना चाहेंगे कि इस किताब का नाम क्या है? चलिए मैं आपको कुछ क्यूज देती हूँ और आप अंदाजा लगाइए। ये किताब 1943 में छपी थी। इस किताब की दुनिया भर में 20 करोड़ कॉपी खरीदी गई हैं और इसका 300 बार अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इस कहानी पर फ्रांस में एक थीम पार्क है और जापान में एक म्यूजियम, साउथ कोरिया में एक छोटा गांव है और इस किताब पर विश्व भर में प्रदर्शनियां रखी गई हैं। इस पर आधारित एक धारावाहिक 50 देशों में प्रसारित किया गया था। तो क्या है इस अद्भुत कहानी का नाम? ये है द लिटिल प्रिंस, यानी छोटा शहजादा। ये कहानी फ्रेंच लेखक अंतुआन दे सांत एक्जुपेरी ने लिखी है। उन्होंने ये कहानी तब लिखी थी जब उन्हें अपने देश से निकाला गया था। उस समय वो 27 महीनों के लिए उत्तरी अमरीका में रहे थे। वो अपने देश और विश्व में होने वाले हादसों को लेकर व्याकुल थे। इस कहानी से उन्होंने अपने फलसफे को हम तक पहुंचाया है। उन्होंने बहुत संवेदनशीलता के साथ अकेलेपन, विजय और निराशा जैसी भावनाओं से निकलने के बारे में बात की है। द लिटिल प्रिंस अडल्ट वर्ल्ड यानी व्यस्क जीवन की आलोचना करता है। इस कहानी में लेखक का जहाज एक रेगिस्तान में धमाके से गिर पड़ता है। ये लेखक के साथ असल जिंदगी में भी हुआ था, जब उनका जहाज सहारा के रेगिस्तान में गिर पड़ा था। तो कहानी यूं है कि लेखक रेगिस्तान में लिटिल प्रिंस से मिलता है, जो कि एक एस्ट्रॉइड यानी छोटे तारे से आया है। उस छोटे तारे पर लिटिल प्रिंस अपने प्रिय गुलाब को छोड़ आया है। वो अपने गुलाब को बहुत चाहता है, तो क्या वो अपने गुलाब से वापस मिलने एस्ट्रॉइड जा पाता है? अब ये जानने के लिए तो आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी और लिटिल प्रिंस की रोमांचक यात्रा के बारे में जानना पड़ेगा। निराश मत होइए, मैं आपको इस कहानी के कुछ लम्हों से अभी वाकिफ कराती हूँ। धरती पर पहुंचने से पहले लिटिल प्रिंस ने कई ग्रहों की यात्रा की और उनके निवासियों से मिला, और हर ग्रह के व्यस्क निवासियों से मिलकर उसने मानवता के कई दोषों के बारे में जाना। लिटिल प्रिंस एक दूसरे ग्रह पर जाता है जहां एक घमंडी व्यक्ति रहता था। आहा, ये आया मेरा प्रशंसक, वो व्यक्ति लिटिल प्रिंस को देखते ही खुशी से बोला। लिटिल प्रिंस ने सोचा, घमंडी लोग अन्य सभी लोगों को अपना प्रशंसक मानते हैं शायद। सुप्रभात, लिटिल प्रिंस ने बोला, आपने एक मजेदार टोपी पहनी है। ये टोपी लोगों का सलाम लेने के लिए है, घमंडी व्यक्ति बोला, पर दुख की बात तो ये है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। अच्छा, लिटिल प्रिंस को घमंडी व्यक्ति की बात समझ में नहीं आई। चलो अब तुम ताली बजाओ, घमंडी व्यक्ति बोला। इस पर लिटिल प्रिंस ने ताली बजाई। ताली बजाते ही घमंडी व्यक्ति ने अपनी टोपी उठाते हुए सलाम लिया। लिटिल प्रिंस ने फिर ताली बजाई और घमंडी व्यक्ति ने फिर से टोपी उठाते हुए सलाम लिया। बार बार यही काम दोहराने पर लिटिल प्रिंस थक गया। उसने पूछा, आपकी टोपी का सलाम लेने के लिए
और क्या क्या करना होगा एक आदमी को। पर घमंडी व्यक्ति ने उसकी बात ही नहीं सुनी। घमंडी व्यक्ति केवल तारीफ ही सुनते हैं। उसने लिटिल प्रिंस से पूछा, क्या तुम सच में मेरी सराहना करते हो? सराहना से आपका क्या मतलब है? लिटिल प्रिंस ने पूछा। सराहना से मेरा मतलब है कि तुम मानते हो कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे अच्छे कपड़े पहनने वाला और सबसे धनी और सबसे बुद्धिमान हूँ। पर इस ग्रह पर आप अकेले ही रहते हैं, तो फिर आप सबसे धनी? तुम मुझ पर बस ये एहसान करो कि तुम मेरी प्रशंसा करते रहो। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, पर मेरा ये कहना आपके लिए इतना जरूरी क्यों है? लिटिल प्रिंस ने पूछा। और फिर लिटिल प्रिंस ने सोचा कि बड़े लोग थोड़े अजीब से होते हैं। इस कहानी से आप कई सीख अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि आप जितनी बार इस कहानी को पढ़ेंगे, उतनी बार आपका ध्यान कुछ नई सीखों पर जाएगा, जिनका संबंध आप अपने अनुभवों में भी पाएंगे। जब लिटिल प्रिंस अपने प्लैनेट पर पहुंचता है, तो वो उस एस्ट्रॉइड के इकलौते निवासी एक राजा से मिलता है। राजा लिटिल प्रिंस को उस एस्ट्रॉइड का न्याय मंत्री बनने का आदेश देता है। आइए सुनते हैं उनके बीच क्या बातचीत हुई। मत जाओ, राजा ने कहा। उसके ग्रह पर पहली बार एक आदमी आया था जिसे वो अपनी प्रजा बुला सकता था। मैं तुम्हें मंत्री बनाऊंगा। किस चीज का मंत्री? न्याय का। पर न्याय किसके लिए? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो हमें नहीं पता। मैंने अभी तक अपने पूरे राज का दौरा नहीं किया है, राजा बोला। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, चलने पर थक जाता हूँ, और यहाँ वाहन ले जाने की जगह ही नहीं है। लिटिल प्रिंस ने झुकते हुए प्लैनेट की दूसरी ओर देखा और बोला, पर मैंने तो देख लिया, यहाँ कोई नहीं है। तो तुम अपने आप ही अपने न्यायाधीश बन जाओ, राजा ने कहा। अपने आप के लिए निर्णय लेना या अपने आप पर ही न्याय करना, दूसरों पर न्याय करने से अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। अगर तुम अपने लिए निर्णय ले सकते हो तो तुम बहुत समझदार हो। इस पर लिटिल प्रिंस बोला, अपने लिए निर्णय लेना हो या फिर खुद को न्याय दिलाना हो, ये तो मैं कहीं भी कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे आपके प्लेनेट पर रहने की क्या जरूरत है? लिटिल प्रिंस ने देखा कि राजा बहुत ही रौबदार था। उन्हें देखते हुए लिटिल प्रिंस ने फिर सोचा, बड़े लोग कुछ अजीब से होते हैं। इस तरह बड़े लोगों के साथ अपने अनुभवों के बाद लिटिल प्रिंस हमेशा यही सोचता, बड़े लोग कुछ अजीब से होते हैं। लिटिल प्रिंस में संकीर्ण सोच के दुष्प्रभावों के बारे में एक मासूम बच्चे के नजरिए से बताया गया है। साथ ही ये कहानी है अन्वेषण की, साहस की और बच्चों की अनोखी और मूल्यवान जिज्ञासा की। चलिए गुलाब के रहस्य पर वापस जाते हैं। वो गुलाब जो लिटिल प्रिंस अपने घर पर छोड़ आया था और जिसकी हमेशा याद करता रहता था। गुलाब लेखक के नजरिए से प्रेम की भावना को दर्शाता है। प्रेम जो हमें एक दूसरे पर निर्भर होने पर मजबूर करता है। ये एक अदृश्य गुण है जिसके कारण एक गुलाब अन्य कई गुलाबों से अलग होता है। बाहर से देखें तो एक गुलाब अन्य गुलाबों की तरह ही दिखता है, लेकिन वो अनोखा होता है उसके चाहने वाले की प्रेम भावना के कारण। इस कहानी में एक लोमड़ी लिटिल प्रिंस से कहती है, लोग इस सोच को भूल चुके हैं, पर तुम इसे कभी मत भूलना। तुम अपने गुलाब के लिए जिम्मेदार हो। तुम उसके लिए जिम्मेदार हो जिसे तुमने अपने प्रेम से अपना बनाया है। इस कहानी में ऐसे कई उदाहरण दिए गए हैं जो हमारे अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। हम शिक्षकों में बच्चों के प्रति सहानुभूति और जिंदगी की सरलता से प्यार बनाए रखने के लिए ये किताब एक अच्छा संसाधन है। तो कैसी लगी हमारी आज की पुस्तक पोथी? अरे सोच क्या रहे हो, खरीदो ये किताब या फिर अपनी स्कूल लाइब्रेरी में मंगवाओ और पढ़ डालो झट से।
दोस्तों, जो हम पढ़ते हैं वही हमारी पहचान है। ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि जब पढ़ने की मजबूरी ना हो तब हम क्या पढ़ते हैं यही तय करता है कि हम क्या बनेंगे या कैसा व्यवहार करेंगे जब हम अपने बस में ना हों। तो आप पढ़िए ये किताब और मैं लाने जाती हूँ आपकी पुस्तक पोथी के लिए एक और नायाब हीरा। तब तक के लिए अलविदा। याद रखिएगा, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं।